मैं एक चोटी की कंपनी के लिए एक कार्यक्रम कर रहा था। वो वाकई दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक है। वहां के चोटी के 25 अधिकारी 2 दिन के कार्यक्रम में बैठे थे। मेरे साथ 9 वॉलंटियर थे। ईशा फाउंडेशन पूरी तरह से वॉलंटियरों द्वारा चलाया जाने वाला संगठन है और ये 9 वॉलंटियर कार्यक्रम में सब कुछ संभाल रहे थे। और दूसरे दिन इनमें से एक अधिकारी ने मुझसे पूछा, सदगुरु आपको ऐसे लोग कहां मिलते हैं, क्योंकि वे हमेशा कंपनी छोड़ने की सोचते हैं, आपको ऐसे लोग कहां से मिलते हैं। मैंने कहा, मिलते नहीं हैं, आपको उन्हें तैयार करना पड़ता है। आप उन्हें कैसे तैयार करते हैं? मैंने कहा, कुछ ऐसा कीजिए कि उन्हें आपसे प्यार हो जाए। ओ, हम ऐसा कैसे करें? I said, first you must fall in love with them. Then they said, oh, they don't pay us for that. So that's all it is. मैंने कहा, पहले आपको उनसे प्यार करना पड़ेगा। फिर वे बोले, ओ, उसके लिए हमें कंपनी पैसे नहीं देती। तो पूरी बात यही है। तो आप सद्भावना बना नहीं सकते, आपको सद्भावना बहानी होगी। अगर आप इसे हर किसी को देते हैं तो ये कई तरीकों से आपके पास लौट कर आएगी, पर आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि आपके पास वापस आती है या नहीं। यही आपके जीने का तरीका होना चाहिए, इसे होने का तरीका होना चाहिए, ताकि आप स्वाभाविक रूप से हर किसी को अपनी हर उस चीज में शामिल कर लें जो आप हैं। कुछ उत्तर देंगे, कुछ उत्तर नहीं देंगे, और ये ठीक है, ये उनका चुनाव है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, कोई विकल्प नहीं है। आप हर किसी के साथ प्रेम में पड़ गए हैं, उनके लिए वे फिर भी चुन सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे अपना चुनाव खो देंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर आप इसी तरह बने रहते हैं तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि उनके पास कोई चारा नहीं है। शुरू में वे ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे उनके पास विकल्प है, लेकिन थोड़े समय बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो सद्भावना बनाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि किसी चीज के साथ प्रेम में पड़ जाइए, तो मैं बस ये कह रहा हूँ, जिसे आप प्रेम कहते हैं वो आपकी भावनाओं की एक खास सुखद स्थिति है। भावना एक बहुत शक्तिशाली चीज है। हालांकि लोग हर तरह की तार्किक बकवास करते हैं, फिर भी दुनिया इंसानी भावनाओं से संचालित है। कौन चुना जाता है वो अब भी भावनाओं से संचालित होता है ना? देश में या दुनिया में कौन लोकप्रिय है, ये अब भी भावनाओं से संचालित होता है ना? जिन लोगों पर आपने कभी दृष्टि नहीं डाली है, वे ही लोग हैं जिनके साथ आप प्रेम में हैं। कृपया देखिए, अगर आपको एक औरत से प्यार हो गया, या एक पक्षी से, एक चींटी से, एक पेड़ से, या किसी से भी, तो वो प्यार किसी चीज की वजह से नहीं होता। आप बस प्यार में होते हैं। पर अगर आपको लगातार सिर्फ औरतों से ही प्यार हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्यार आपके हार्मोन्स की वजह से। बेहतर है कि आप ये समझ लें। तो जो किसी चीज की वजह से है, आप उसे प्यार का नाम देना चाहते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें प्यार बिल्कुल नहीं है, प्यार है, पर क्या सच्चा है और क्या नहीं है, इसे आप इस आधार पर तय नहीं कर सकते कि क्या कारण था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये इस पर है कि आपने कैसा महसूस किया। मैं कहता हूँ, खुद को अपने लव अफेयर में झोंक दीजिए और इसमें मर मिटिए, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आप प्रक्रिया में मर मिटने को तैयार हैं तो कुछ अच्छा होगा। कोई एक चीज नहीं, चाहे आपका काम हो, आपका जीवन हो, प्रेम हो, या कुछ भी हो, अगर आपको खुद को इसमें पूरा झोंकना नहीं आता तो आप कभी इनके स्वाद को नहीं जान पाएंगे। प्रेम करो पर जुड़ो मत। तब आप प्रेम करने क्यों जाते हैं?